गुमला कार्तिक राव महाविश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा इंटरमीडिएट की पढ़ाई कॉलेज में बंद किए जाने के निर्णय के खिलाफ शुक्रवार को सैकड़ों विद्यार्थियों ने कॉलेज गेट में ताला बंदी कर धरना प्रदर्शन किया और कॉलेज में इंटर की पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रखने की मांग की। कॉलेज प्रबंधन के निर्णय से छात्रों में काफी आक्रोश व्याप्त है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने राज्य सरकार व जैक से कॉलेज को फंड उपलब्ध कराने की मांग की है ताकि सैकड़ों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो पाए। जिले के प्लस टू विद्यार्थियों में सीट की संख्या सीमित है, खर्च भी अधिक बच्चों को लगता है। कार्तिक राव कॉलेज में अधिक सीटें हैं और खर्च कम पड़ता है, जिससे विद्यार्थियों की संख्या भी कॉलेज में अधिक रहती है। क्षेत्र में गरीब बच्चों को सहारा कार्तिक राव कॉलेज ही है। प्रदर्शन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र लाल उरांव ने कहा कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा गलत निर्णय लेकर सैकड़ों छात्रों का भविष्य खतरे में डाल दिया है। उन्होंने राज्य सरकार से कॉलेज को फंड देने की अपील की है ताकि गरीबों के बच्चे बेहतर तरीके से शिक्षा ग्रहण कर सके। कॉलेज में प्लस टू स्कूल से कम फीस ली जाती है, जिस क्षेत्र में गरीब तबके के लोगों के बच्चे आसानी से कॉलेज में पढ़ाई कर पाते हैं। वही राम अवतार भगत, शानू कुमार सहित कई छात्र नेता ने भी कॉलेज प्रबंधन के निर्णय को गलत ठहराया है। इन नेताओं ने कहा है कि गुमला आदिवासी बहुमूल्य इलाका है, यहाँ जिले से दूर दराज से गरीब बच्चे शिक्षा ग्रहण करने पहुँचते हैं। इस शिक्षा के मंदिर में हजारों लोगों की प्राण बस्ती है और हजारों करोड़ों लोग इस शिक्षा के मंदिर से शिक्षित हो चुके हैं और महाविद्यालय प्रबंधक के द्वारा, महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा गलत तरीके से इस कॉलेज, इंटर कॉलेज को बंद करने का आदेश निर्देश दिया गया है, जो कि इस क्षेत्र में निवास करने वाले सभी गरीब गुरबा आदिवासी मूल निवासी छात्रों के साथ अन्याय है। बेचारे छात्र कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे, इसकी चिंता यहाँ के शिक्षकों को बिल्कुल नहीं है। आए दिन सरकार स्कूल कॉलेज निर्माण करने की बात करती है और यहाँ के प्रबंधक स्कूल कॉलेज को बंद करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं और बंद करने का कारण का जब पूछा जाता है तो ये लोग बोलते हैं फंड की कमी है। फंड की कमी होना एक निश्चित बात है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसे का दुरुपयोग प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा किया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। जांच के उपरांत दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा। और मैं झारखंड सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय, माननीय उपायुक्त महोदय से निवेदन करता हूं कि अगर फंड की कमी है तो झारखंड सरकार कार्तिक राव महाविद्यालय को फंड देने का प्रावधान करे और जो बच्चे शिक्षा से हट जा रहे हैं, बेघर हो जा रहे हैं, उनको शिक्षा मुहैया करने की दिशा में सरकार पहल करे। मैं देवेंद्र लाल उरांव, छात्र नेता, गुमला। इंटरमीडिएट कुछ डिमांड, पब्लिक डिमांड लेके करीब 8 साल से यहाँ रखा हुआ था। यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन के अनुसार इंटरमीडिएट कंस्टिट्यूएंट कॉलेज में नहीं रखना है और किसी तरह घिस घास के चल रहा था। आज हमारे पास फंड की कमी है और जब फंड नहीं होगा तो कर्मचारी को हम क्या पेमेंट करेंगे, कहाँ से करेंगे? तो हम लोग का डिमांड है, अगर इंटरमीडिएट हमको चलाना है तो सरकार हमको फंडिंग करे और जैक करेगी। जैक के माध्यम से ही होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट जैक का है, यूनिवर्सिटी का नहीं। यूनिवर्सिटी अलग संस्था है, जैक अलग संस्था है। इसमें एक तर्क और था और वह था कि अब तक इसलिए इंटरमीडिएट को इस कॉलेज में रखा गया क्योंकि इस एरिए में प्लस टू की कमी थी, प्लस टू स्कूल की कमी थी। आज प्रायः हर स्कूल में प्लस टू कर दिया गया है और हमको जितना अमाउंट चाहिए उतना अमाउंट हमको फीस से नहीं मिल पा रहा है। सरकार से एक पैसा नहीं मिलती है और जो भी फीस मिलता है बच्चों से उसी से हम लोग इसको अभी तक मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे। आज की स्थिति में यह है कि हमको खर्चा है लगभग 45 लाख और हमको बच्चों से मिलता है 18 लाख, तो बीच के गैप को कैसे पाटा जाए, कहां से पाटा जाए? और हम लोग इस स्थिति में भी नहीं है, हम लोग का यह भी परमिशन नहीं है कि हम फीस में कमी बेसी अन्य स्कूलों की तरह कर सकें। फुल कमी है, रहेगा। पढ़ाई तो शिक्षकों पर निर्भर करता है और शिक्षक हम कहाँ से लाएं जब तक हमारे पास पैसे नहीं होंगे। कॉलेज में इंटर की पढ़ाई बंद हो जाएगा तो जो फाइनेंशियली वीक रहते हैं स्टूडेंट, पैसे की कमी होती है जिनके पास, एडमिशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि यहाँ जो
जो डीएवी नेटवर्टम जैसे स्कूल है उनमें फीस बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ अगर यहाँ बंद हो जाएगा स्टोर बच्चों को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। मतलब कार्तिक कॉलेज में ये भी है कि यहाँ लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है, वो भी बनवा अनिमा तिल्ला। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।